स्वागत है आप सभी का नव भारती परिवार में। मेरा नाम है सलोनी मुद्गिल और आज हम पढ़ेंगे कार्बन एनेट्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट, जिसमें हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट। यानी कि सबसे पहले हम एलोट्रॉप समझें, तो एलोट्रॉप्स क्या होता है, ये अलग अलग तरह की फिजिकल फॉर्म है जिसमें कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। वो कोई भी फॉर्म हो सकती है, या तो वो गैशियस फॉर्म हो सकती है या लिक्विड फॉर्म हो सकती है, कोई भी फॉर्म हो सकती है उसकी, ठीक है, जिसमें वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हम इस चैप्टर में कार्बन की बात कर रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। हमने पढ़ा था कि नेचर में वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एक तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है और एक कंपाउंड की स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो कंपाउंड की स्टेट में मतलब फ्रीली कैसे एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, यानी कि खुद की ही स्टेट में, जब वो किसी से कंबाइंड नहीं हुआ है, वो जब वो अकेला है, तो कैसे कैसे वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये होते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं पर बाकी सारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं, इसलिए ये एक ही एलिमेंट के एलोट्रॉप होते हैं, एक ही एलिमेंट के ये मतलब कहलाते हैं, एक ही एलिमेंट के पार्ट कहलाते हैं ये, ठीक है। तो कार्बन जो है वो थ्री सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिन्हें हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। तो वो थ्री फॉर्म क्या है, थ्री एलोट्रॉप्स क्या है कार्बन के, सबसे पहला है डायमंड, सेकंड है ग्रेफाइट और थर्ड है, मैंने आपको बताया था इसे किस तरह से हम बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बकमिंस्टर फुलरेन। बकमिंस्टर फुलरेन ये किसके नाम पे इसको लिखा हुआ है, दिया गया है, इसको नाम किसके ऊपर दिया गया, साइंटिस्ट के ऊपर, बकमिंस्टर के ऊपर इसको नेम किया गया है, ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट दो कॉमन एलोट्रॉप्स है कार्बन के, जो बहुत सालों से, बहुत ही सेंचुरीज से इनको पहले से हम जानते हैं। डायमंड को डायमंड भी सुना है, ग्रेफाइट भी हमने सुना है। ग्रेफाइट वो सब्सटेंस है जो हमारी पेंसिल में प्रेजेंट होता है, लेड जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली वो ग्रेफाइट होता है, बहुत ही इजिली ब्रेकेबल होता है, बहुत ब्रिटल होता है। डायमंड हमें पता है हार्ड होता है, तो यही सारी इनकी जो प्रॉपर्टीज है, यूजेस है और इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तीसरा है जो अभी न्यूली फाउंड, न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप है कार्बन का, वो है बकमिंस्टर फुलरेन। तो हम इन तीनों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डायमंड के बारे में, ठीक है। सो डायमंड के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिस्टेड है। सबसे पहले क्या है, ये एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है। आप सबको पता है डायमंड एक कलरलेस सब्सटेंस है और ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इसकी एक साइड से दूसरी साइड विजिबल होती है थिंग्स, और इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, यानी कि बहुत ही शाइनी है ये। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस का मतलब ये बहुत शाइनी है। सेकेंड पॉइंट है, डायमंड इज क्वाइट हैवी, डायमंड इज क्वाइट हैवी। अब इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी, अब ये डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ये हैवी भी होता है। काफी सारे इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज होती है कि चार कार्बन से कनेक्टेड होगा, तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। थर्ड पॉइंट है, डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। जैसे कि हमने कई बार सुना है और बचपन में हमने पढ़ा है कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर होता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने मेंशन किया कि ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है ये। एंड फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, इसके रीजन क्या होता है, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब नहीं करता जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि डायमंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के, वो सारे किसी ना किसी से अटैच्ड होंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वही तो मूव करेगा, अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कैसे। नेक्स्ट पॉइंट है, डायमंड बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या प्रूव होता है। अच्छा, डायमंड क्या है, अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर अगर हम इसको हीट करेंगे, बहुत ही मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 1000 पे अगर हम इसको बर्न करेंगे, 1000 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम डायमंड को बर्न करते हैं, तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बन का कंपाउंड, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन से फॉर्म जो कंपाउंड होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जिनमें कार्बन की प्रेजेंस होती है वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो डायमंड जब बर्न होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे, तो वो क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया है इसने, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया है. इसका मतलब क्या हुआ कि डायमंड क्या है? कार्बन का ही पार्ट है. ये कार्बन क्या है? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. ये कार्बन से ही पूरी तरह फॉर्म हुआ है. मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और कुछ नहीं बचेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि डायमंड प्योरली क्या है? कार्बन है. ठीक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है. लास्ट पॉइंट है, इफ वी बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन, अगर हम डायमंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है और कुछ भी नहीं बचता, कोई रेसिड्यू नहीं बचता है अगर हम डायमंड को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि एयर में, अगर हम नॉर्मल एयर में अगर बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी. इसका मतलब क्या है? दैट डायमंड इज मेड अप ओनली ऑफ कार्बन. ठीक है, कि सिर्फ जो डायमंड है वो सिर्फ कार्बन से ही बना है. ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड पे. तो इसमें हम अब डायमंड का स्ट्रक्चर समझेंगे कि डायमंड का किस तरह से उसकी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है. तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डायमंड का सिंबल भी क्या होता है. हम डायमंड का अगर सिंबल की बात करें, जैसे अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल्स होते हैं. हाइड्रोजन का एच होता है, लिथियम का एल आई होता है, तो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग सिंबल होते हैं. तो अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड किसका है, किसका बना हुआ है? प्योरली किसका बना हुआ है? डायमंड कार्बन का बना हुआ है. ठीक है, और कार्बन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी. कैपिटल सी डायमंड का सिंबल होता है. तो डायमंड का क्या, कार्बन का सिंबल होता है, तो डायमंड का क्या सिंबल हुआ? कैपिटल सी. सो अ कार्बन क्रिस्टल इज अ जॉइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स. तो जो कार्बन का क्रिस्टल होता है, किसी भी कार्बन के जो एलोट्रॉप का कोई भी सिंबल क्रिस्टल होता है, तो वो एक जॉइंट मॉलिक्यूल होता है कार्बन एटम्स का. यानी कि कई सारे कार्बन एटम्स को मिला के वो एक मॉलिक्यूल, बड़ा सा मॉलिक्यूल हमें मिलता है, जॉइंट मॉलिक्यूल मिलता है. ठीक है, और हर कार्बन डायमंड में, हर कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम इन द डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड टू फोर अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसमें. इसमें तो क्या होता है, कार्बन एटम में जो डायमंड क्रिस्टल होता है, कार्बन एटम का जो मतलब डायमंड क्रिस्टल का कार्बन एटम हर चार कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है. अब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो ये एक एटम है, तो ये एक एटम चार कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा, चार एटम से कनेक्टेड होगा ये. ठीक है, तो इसकी भी कोई एक सिमेट्री होगी, ये चार से कनेक्टेड है, एक ये ऊपर की तरफ कनेक्टेड होगा किसी से. तो ये क्या फॉर्म करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा. ठीक है, इनके साथ ये चार और कार्बन एटम्स के साथ क्या फॉर्म करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड. मैं एक बार फिर से बताती हूँ, डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. ठीक है, और इसकी कौन सी शेप बनती है? टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट बनता है. जो इसकी शेप होती है ये इस तरह से होती है ना, थोड़ी कि बीच में कार्बन एटम है, ये शेप जो होती है ये होती है टेट्राहाइड्रल, कुछ टेट्राहाइड्रल बनाती है ये, तो इसलिए हम इसको टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स कहते हैं. और डायमंड का दूसरा पॉइंट, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज वेरी हाई. डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब इस चीज का क्या मतलब है कि डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने देता अपने थ्रू. क्यों? क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. क्या होता है, जब एक एटम चार कार्बन एटम से कंबाइन करता है, उसके बाद पूरे क्रिस्टल में कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता, क्योंकि सबने क्या बना लिया है? कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता. अब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा. अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कोई फ्लो ही नहीं करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी. इसलिए डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो चलो अब देखते हैं कि ये डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से चारों एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है. तो आप ये इमेज देख सकते हो दोनों, ये पूरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. मैंने आपको बताया था इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरह का, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें कि
एक कार्बन, जैसे कि ये देखो ये एक कार्बन, इस वाले को नोटिस करना, ये एक किससे कितने से कनेक्टेड है, 1, 2, 3 and 4। ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज जॉइंट टू 4 अदर कार्बन एटम्स। हर एक कार्बन एटम 4 एटम से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और फिर ये पूरे जब एक कंबाइन हो जाते हैं तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता है, एक 4 से कनेक्टेड होता है। ये वाला देखो, ये वाला भी 1, 1, 2, 3 and 4 कार्बन एटम से ये कनेक्टेड है। अब इस वाले को देखो, 1, ये वाला 1, 2, 3 and 4। तो इस तरह से ये पूरा एक डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसीलिए डायमंड का जो शाइन होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग शाइन आती है उसकी, ठीक है, इसे क्योंकि उसके इतने सारे सरफेसेस हो जाते हैं इनकी वजह से, तो उसकी अलग अलग जगह से अलग अलग शाइन आ जाती है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ डायमंड। अब आपने ज्यादातर तो सुना होगा ज्वेलरी के लिए, पर ये और किस किस चीजों के काम आता है वो मैं आपको बताऊंगी। डायमंड्स आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर्स, सॉ फॉर कटिंग मार्बल एंड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट। सबसे पहले डायमंड किस काम आता है, इंस्ट्रूमेंट, जैसे ग्लास को काटने के काम आता है, इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम आता है ये, ठीक है। ग्लास कटर्स के लिए यूज होता है, ग्लास काटते हैं हम इसके लिए, इससे इसके इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, ठीक है, इससे हम ग्लास कट कर सकते हैं। सॉ बनता है मार्बल कट करने के लिए, सॉ बनता है। और रॉक को ड्रिल करने के लिए भी ये काम आता है, जब किसी रॉक को ड्रिल करना होता है, उसे कोई भी शेप देनी होती है, उसमें से कोई भी आपको पार्ट निकालना होता है, यानी कि बेसिकली डायमंड शार्प है बहुत, मतलब डायमंड के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिससे कि वो बहुत शार्प हो जाता है और उसका कटिंग में ज्यादा काम होता है, ठीक है। सेकेंडली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकेंड क्या है, यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, हमें पता है कि ज्वेलरी बनाने के काम आता है। डायमंड्स कैन बी आर्टिफिशियली मेड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, कैसे, कार्बन को अगर आप बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रखोगे तो वो भी डायमंड्स बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो देखो अपना सेकेंड एलोट्रॉप कौन सा है, ग्रेफाइट, सेकेंड है ग्रेफाइट, हमने पहला पढ़ा डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ये एक ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है, ग्रेइश ब्लैक, इसका कलर कौन सा होता है, ग्रेइश ब्लैक, मतलब प्रॉपर ब्लैक कलर नहीं होता इसका, कार्बन की तरह थोड़ा सा ग्रे का भी एसेंस होता है, आप इस इमेज में देख सकते हो, इसमें कुछ कुछ ग्रे भी एसेंस है, ग्रे की भी, ग्रे कलर की भी एसेंस है, ठीक है। तो ये एक ओपेक सब्सटेंस है, डायमंड हमने क्या पढ़ा, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, यानी कि उसके हम आर पार देख सकते हैं। ओपेक सब्सटेंस मतलब इस साइड की हम चीजें उस साइड से हम नहीं देख सकते हैं, तो ये ओपेक होता है कि एक साइड की चीज दूसरी साइड से नहीं दिखेगी, दूसरी साइड की चीज इस साइड की नहीं दिखेगी, मतलब वाइस वर्सा, एक तरह से ओपेक सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि वॉल होती है, वॉल की इस साइड में नहीं देख सकते जब तक कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल ना हो, अगर वॉल ग्लास की ना हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड, कि ग्रेफाइट कंपैरेटिवली डायमंड से लाइट होता है, उसका वेट कम होता है डायमंड से। सेकेंड क्या है, ये बहुत ही सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, इसको टच करने में बहुत ही सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, मैं आपको अभी इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। इलेक्ट्रिसिटी ये इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ग्रेफाइट इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेफाइट बर्न्स ऑन स्ट्रांग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ग्रेफाइट को जब हम बहुत ही स्ट्रांग टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेफ्ट आउट हो जाती है और कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब क्या है कि ग्रेफाइट प्योरली किस चीज का बना हुआ है, कार्बन का, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, कुछ नहीं बच रहा, मतलब कि ग्रेफाइट क्या है, प्योरली कार्बन का ही बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी बर्न ग्रेफाइट इन ऑक्सीजन, अगर हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस ही फॉर्म होती है और कुछ नहीं बचता था। सेम पॉइंट है वो, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको, इसके पहले वाले पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये प्योरली कार्बन का बना हुआ है, इसलिए कुछ भी इसमें रेसिड्यू नहीं बचा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
फॉर्म हुई। लास्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय बर्निंग ग्रेफाइट कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये पॉइंट डायमंड्स के लिए भी है, डायमंड के लिए भी यही पॉइंट है कि अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई है ना, उसमें अगर आप लाइम वाटर अगर आप उसमें उसके उस गैस पे आप रखते हो तो वो लाइम वाटर बहुत ही मिल्की हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसमें बबल्स आ जाएंगे उस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में बेसिक नॉलेज। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट पे। तो स्ट्रक्चर, जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो डायमंड से काफी डिफरेंट होता है। ग्रेफाइट में अलग अलग लेयर्स होती हैं कार्बन एटम्स की, या फिर हम उन लेयर्स को शीट भी कह सकते हैं, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स और शीट ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इसमें कई सारी शीट होती है, लेयर होती है, क्रिस्टल, इसका जो ग्रेफाइट का क्रिस्टल होता है उसमें कई सारी लेयर्स होती है और हर एक कार्बन एटम जो ग्रेफाइट की लेयर में होता है वो तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग एंड पेंटागोनल रिंग। पेंटागोनल रिंग भी बनती है, ना सिर्फ हेक्सागोनल रिंग बनती है, पेंटागोनल रिंग भी फॉर्म होती है। ठीक है, हेक्सागोनल और पेंटागोनल, पेंटागोनल रिंग्स भी बनती है, यानी कि पेंटागन बनता है एक तो और एक हेक्सागन बनता है। अब डिफरेंस क्या हुआ आप इसमें और उस डायमंड में, ग्रेफाइट और डायमंड में क्या डिफरेंस हुआ? डायमंड में तो एक एटम, एक कार्बन एटम से चार कनेक्टेड होते हैं, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम से तीन कार्बन एटम जॉइंट होते हैं और वो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक तो पेंटागन बना लेता है और एक हेक्सागन बना लेता है। पेंटागन वो होता है जिसकी फाइव साइड्स होती है, हेक्सागन वो होता है जिसकी सिक्स साइड्स होती है और वो जो लेयर्स होती है एक के ऊपर एक लेयर होती है। अब आप बोलोगे कि ये एक के ऊपर एक लेयर है तो ये जुड़ी हुई कैसे है, तो फिर ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करता है? इनके बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से इसका ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। इनके बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं जिनसे ये जो लेयर्स होती है ये जुड़ी हुई होती है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, आप समझ जाएंगे। बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, उन फोर्सेस का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल एक साइंटिस्ट का नाम है, वंडरवॉल फोर्सेस से ये जो लेयर्स होती है ये कनेक्टेड होती है। वंडरवॉल एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जो है वीक फोर्सेस होते हैं, बहुत ही वीक, जैसे कि हमारे मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो तो बहुत टाइट होते हैं इनके कंपैरिजन में। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्सेस से भी बहुत ही ज्यादा वीक फोर्सेस होते हैं, इतने ज्यादा कि ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और इनका स्ट्रक्चर, इसलिए इनकी जो टेक्स्चर होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू शीट लाइक स्ट्रक्चर ग्रेफाइट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस। क्योंकि शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए ये बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। तो देखो, एक एटम कितने से कनेक्टेड होता है, एक एटम जैसे कि ये वाला एटम, इस वाले को देख लोगे ऊपर वाले को, ये वाला कितने से कनेक्टेड है, वन टू और वीक वंडरवॉल फोर्सेस से थ्री। ये डॉटेड लाइन बनी हुई है ना, यह डॉटेड लाइन क्या है, ये वंडरवॉल फोर्सेस को शो कर रहा है। देखो, वीक फोर्सेस होल द कार लेयर ऑफ कार्बन एटम्स टुगेदर, तो ये फोर्सेस कौन से है, वंडरवॉल फोर्सेस है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ये एक लेयर हो गई, ये वाली एक लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है नीचे वाले, तो ये लेयर एक के ऊपर एक होती है और इनमें बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, पर इन एटम्स के बीच में काफी स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं, काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये होता है वीक वाला, क्या होता है, वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, अब आते हैं यूजेज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी काफी यूजफुल होता है, आपने पीछे इस इमेज में देखा है, यहाँ पे इस वाली कहाँ है हमारी इमेज, ये इस इमेज में हमने देखा है, ये देखो पेंसिल। तो बेसिकली ये किसमें यूज होते हैं, पेंसिल में जो हमारे लेड जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है, प्योरली ग्रेफाइट का ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यूजेज ऑफ ग्रेफाइट पे। सबसे पहला यूज क्या है, द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी। इट कैन बी यूज फॉर ल्यूब्रिकेटिंग दोज मशीन्स पार्ट विच ऑपरेट एट वेरी हाई टेम्परेचर। ग्रेफाइट का जो पाउडर्ड फॉर्म होता है वो एक ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है मशीन में, अगर मशीन का कोई पार्ट बहुत प्रॉब्लम दे रहा है या फिर उसमें रस्ट आ गई है या फिर किसी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्मूथली नहीं चल रहा है, तो हम ग्रेफाइट का पाउडर्ड फॉर्म हम उस पार्ट में लगा सकते हैं तो वो बहुत ही स्मूथ चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो हीट जनरेट कर देगा,
ऐसा नहीं करता है वो, ठीक है। सेकेंड है, इट इज यूज फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिक आर्क्स। तो ये इलेक्ट्रोड बनाने के भी काम आता है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी बनते हैं इसके। मैंने आपको बताई दिया नेक्स्ट वाला कि पेंसिल लेड्स जिनको हम कहते हैं, इससे कोर ऑफ पेंसिल्स बनते हैं। फोर्थ वाला है, इससे ब्लैक पेंट्स भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट यानी कि थर्ड एलोट्रॉप पे, जिसका नाम क्या है, बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरेन ये किसके नाम पे आया है, बकमिंस्टर एक नाम है साइंटिस्ट का, उसके नाम पे हमने ये इसको नेम किया गया है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट है, अभी का लेटेस्ट फाउंड है, ये लास्ट एलोट्रॉप यही फाउंड हुआ है कार्बन का, ठीक है। तो क्या होता है बकमिंस्टर फुलरेन में, इसमें 60 कार्बन एटम्स ज्वाइन होते हैं आपस में और एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि एक स्फेयर शेप में बनता है। यानी कि अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल का 3D वर्जन क्या होता है, स्फेयर होता है। तो एक स्फेयर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जिसमें 60 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कि वो कार्बन एटम जिसमें 60 वो कार्बन मॉलिक्यूल जिसमें 60 एटम्स कंबाइन हुए हैं उसको कहते हैं हम बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, सी कैपिटल सी और सबस्क्रिप्ट में 60 लिख देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सी 60 बोलते हैं इसको, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है सी 60 और इसको हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये बकमिंस्टर फुलरेन बेसिकली दिखता कैसा है, ये एकदम फुटबॉल शेप्ड होता है बिल्कुल, और इसमें 60 कार्बन अरेंज होते हैं जिसमें वो इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स बनाते हैं कार्बन एटम की, ठीक है। ग्रेफाइट में पेंटागोनल रिंग्स नहीं देखने को मिलती ज्यादातर, पर बकमिंस्टर फुलरेन में पेंटागोनल रिंग दिखती है, ठीक है। ग्रेफाइट में याद रखना उतनी पेंटागोनल रिंग, मतलब बहुत रेयर केस होगा जब पेंटागोनल रिंग दिखी है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अगर किसी और का ऐड करा गया है तो अगर वो कंबाइन हो गया तभी पेंटागोनल रिंग बनेगी, वरना ग्रेफाइट में सिर्फ हेक्सागोनल रिंग बनती है और बकमिंस्टर फुलरेन में हेक्सागोनल और पेंटागोनल दोनों रिंग बनती है कार्बन एटम्स के थ्रू, और इसमें 20 तो हेक्सागन्स बनते हैं और 12 पेंटागन्स बनते हैं, ठीक है, एक बकमिंस्टर फुलरेन मॉलिक्यूल में, ठीक है। कहने का मतलब ये कि एक बकमिंस्टर फुलरेन का जो एटम होता है जिसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं उसमें 20 हेक्सागन्स होते हैं और 12 पेंटागन्स होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो आपको देखेगा, अगर मैंने आपको बताया था ये फुटबॉल की तरह दिखता है, ये फुटबॉल की तरह दिखता है, देखो इट इज अ फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल इन विच 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड। देखो फुटबॉल शेप्ड है। फुटबॉल में देखो ये व्हाइट वाले क्या होते हैं, हेक्सागन होते हैं, और ये ब्लैक वाले क्या होते हैं, पेंटागन। तो ये बिल्कुल ही एक बकमिंस्टर फुलरेन किसकी तरह होता है, फुटबॉल की तरह होता है। इसमें देखो इस तरह से सारे अरेंज होते हैं, ये 60 के 60 कार्बन एटम्स, और क्या क्या फॉर्म करता है, पेंटागन्स फॉर्म करते हैं और हेक्सागन फॉर्म करते हैं, ठीक है। 20 तो हेक्सागन्स होते हैं और 12 पेंटागन्स होते हैं। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलरेन। तो ये अगर हम बॉन्ड्स के फॉर्म में अगर अरेंज करें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, हम लास्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ बकमिंस्टर फुलरेन। तो अब बकमिंस्टर फुलरेन की वैसे तो अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके ऊपर, पर फिर भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता है जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, डार्क कलर होता है इसका, डार्क सॉलिड होता है ये, सॉलिड इसका, इसकी जो टेक्सचर होती है वो सॉलिड होती है, नेचर होती है वो सॉलिड होती है, और डार्क कलर का होता है ये रूम टेम्परेचर पे, डार्क सॉलिड होता है ये रूम टेम्परेचर पे, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, इसका साइज बहुत ही कम होता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। या ये तो ना तो ये हार्ड है और ना ही सॉफ्ट है, इसका टेक्सचर ना तो हार्ड है ना ही सॉफ्ट है। जस्ट लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। डायमंड और ग्रेफाइट की तरह ही ये अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और कोई रेसिड्यू नहीं बचता कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होने के अलावा। और बाकी सारी प्रॉपर्टीज जैसे कि मैंने आपको बताया अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रही है इसके बारे में, और अभी प्रॉपर्टीज और फाइंड की जा रही है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।